गांव जहां धूप गला देती है लोगों की त्वचा। ब्राजील के साओ पाउलो का एक गांव है अरारस। यह गांव त्वचा की एक बहुत ही अजीबोगरीब और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इसे एक्सोडर्मा पिगमेंटोसम यानी एक्सपी कहते हैं। इस बीमारी में धूप के कारण स्किन गल जाती है। वैसे तो यह बीमारी लाखों लोगों में से किसी एक को होती है, पर इस गांव में 3% आबादी इस बीमारी से पीड़ित है। स्किन की इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए धूप में निकलना सजा की तरह है। धूप में निकलने से सूरज की किरणें झुलसा देती हैं। एक्सपी बीमारी बहुत ज्यादा संवेदनशील होने पर स्किन कैंसर का रूप ले लेती है और त्वचा को धूप से पहुंचने वाले नुकसान को सही करना नामुमकिन हो जाता है। धूप के चलते स्किन लाल और रूखी पड़ जाती है और चेहरा भद्दा दिखने लगता है। अरारस में ज्यादातर खेती से जुड़े समुदाय रह रहे हैं। ऐसे में वो धूप में काम करने से बच नहीं सकते। कुछ लोगों के पास तो धूप में काम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि स्किन की इस भयानक बीमारी के चलते लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। इस गांव में 800 लोगों में से 20 लोग इस बीमारी के शिकार हैं। मतलब ये हुआ कि हर 40 लोगों में एक आदमी इस बीमारी से पीड़ित है, जबकि अमेरिका में 10 लाख लोगों में कोई एक शख्स ही इस बीमारी का शिकार है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ अनुवांशिकता बताई जा रही है। अरारस में रहने वाले जालमा एंटोनियो कई साल से इस बीमारी से पीड़ित हैं। एंटोनियो खेती किसानी से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें हमेशा धूप में काम करना पड़ा, लिहाजा उनकी स्किन की हालत हर दिन बिगड़ती गई। एंटोनियो जब 9 साल के थे तभी उन्हें इस बीमारी के लक्षण नजर आने लगे थे। उनके चेहरे पर चकत्ते और छोटा दाने होने लगे थे। वो कहते हैं कि अगर वो खुद को धूप से बचा पाए होते तो आज हालात कुछ और होते। धूप में उनकी नाक, होंठ, गाल और आंख सब गल कर बिगड़ गया। इस दौरान उनकी 50 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है। अब वो अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए ऑरेंज मास्क और टोपी पहनते हैं, जिससे उन्हें बीमारी को काबू में करने में थोड़ी मदद मिल रही है। एंटोनियो जैसी ही हालत गांव के बाकी पीड़ितों की भी है। हालांकि अब इस बीमारी से बचने के लिए गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है और उन्हें धूप में कम से कम निकलने की सलाह दी जा रही है।